रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर अनुपमा की कहानी में लगातार एक से बढ़कर एक धमाके हो रहे हैं और शो में नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। शो में जहां समर और डिंपल की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अनुपमा और अनुज के बीच की गलतफहमियां दूर हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी अनुपमा और अनुज अभी साथ नहीं आए हैं। रिसेंटली आपने शो में देखा कि अनुज अपनी और अनुपमा की अधूरी प्रेम कहानी का दुख मनाता है, तो वहीं दूसरी ओर अनुपमा अपने बेटे की शादी की तैयारी में लगी है। वहीं आगे शो में आप देखेंगे कि डिंपल दुल्हन बनकर तैयार होती है, लेकिन वह खुद से ही बातें करते हुए कहती है कि आगे तुम्हें लड़ना है, लेकिन हंसकर। तभी वहां बरखा आती है और उसके दिमाग में और भी जहर भर देती है। बरखा डिंपल को यह सलाह देती है कि वह समर पर काबू बनाए और बा से टक्कर ले। वहीं बरखा डिंपल को यह समझाती है कि वह किसी भी मामले में किंजल को अपने से आगे ना निकलने दे। लेकिन इतना ही नहीं, कहानी में आगे और भी झटके लगने वाले हैं जब वनराज के सामने खुलेगा काव्या की प्रेगनेंसी का सच। जी हाँ, आगे कहानी में काव्या वनराज को अपनी प्रेगनेंसी का सच बताती है। वह वनराज से कहती है कि मुझे पता चल चुका है कि माँ बनने का एहसास क्या होता है। इसके बाद वनराज पूछता है कि आखिरी बात क्या है, जिस पर काव्या उसे कहती है कि वह माँ बनने वाली है और वनराज पिता। लेकिन वहीं वो वनराज से ये साफ भी कर देती है वो अपने बच्चे को अकेले ही पाल लेगी, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। काव्या के जाने के बाद वनराज को कहीं न कहीं बच्चे के लिए खुशी भी होती है। So wait and watch for upcoming twist and turns in serial अनुपमा। For latest TV news and gossips, subscribe to our channel Tele Network.